सुप्रभात सभी बच्चों, स्वागत है आप सबका वर्धमान ऑनलाइन कक्षा में। आज हम विषय हिंदी पार्ट 9, व्यापारी का बेटा और तराजू। तो आज हम व्यापारी का बेटा और तराजू पार्ट के बारे में बात करने से पहले मैं इस कहानी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। तो इस कहानी में क्या है, एक बहुत व्यापारी होता है और इसका वह अपने व्यापारी मित्र वो दूसरे व्यापारी मित्र को अपना तराजू रखने के लिए दे देता है कि मैं जब तक आऊँ तब तक तुम अपना मेरा तराजू संभाल कर रखना, मैं किसी दूसरे गांव काम देखने के लिए जा रहा हूँ। तो उसका मित्र बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा तराजू रख लेता हूँ। फिर उसके बाद वो व्यापारी थोड़े दिन बाद अपने गांव वापस लौट कर आता है तो वो अपने मित्र से बोलता है कि मेरा तराजू मुझे दो। तो वह उसका जो मित्र व्यापारी मित्र होता है वो उसको बोलता है कि तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए। अब तराजू चूहे कैसे खा सकते हैं, क्योंकि तराजू तो लोहे का होता है। तो वह भी अफसोस में पड़ गया। अब उसने बोला कि मुझे किस, अब मेरा मित्र भी है तो मैं लड़ाई झगड़े से तो ले नहीं सकता इससे, तो मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी कि मेरा तराजू मैं कैसे निकलवाऊँ। तो वह ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। फिर एक जगह स्थान पर बैठ कर आराम से सोचता है कि मेरा तराजू मुझे कैसे निकलवाना होगा। तो ऐसे करके वो अपना तराजू निकलवाने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि जब मैं इसके पुत्र को अगर कहीं छुपा दूँ और मैं बोल दूँ कि उसको तो बिल्ली खा गई, चूहे खा गए, शेर खा गया, तो वह मान सकता है क्या। तो ऐसे करके उसने एक योजना बनाई। इसी माध्यम से वो अपना तराजू अपनी उसी की चालाकी से अपना तराजू बाहर निकलवा देता है। तो आइए हम अब देखेंगे पार्ट 9, कहानी पढ़ेंगे। अब कहानी में क्या बताया गया, किसी नगर में रामलाल नामक व्यापारी रहता था। किसी नगर मतलब एक नगर का नगर था, उसमें क्या नाम का व्यापारी रहता था, रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। जाने से पहले वह अपने एक व्यापारी मित्र के पास गया और वह एक व्यापारी मित्र के पास गया यहाँ तो व्यापार में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, किसी और नगर में जाकर भाग्य जमाऊँ। तो वह सोचता है कि मैंने यहाँ तो व्यापार में सब कुछ गवा दिया, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ यहाँ पे लाभ। तो वह सोचता है कि मैं किसी और गांव में जाकर अपना भाग्य अजमाऊँ तो सही, कि क्या पता वहाँ पे मेरा काम अच्छा चले। तो वह जाने से पहले वह अपने एक व्यापारी मित्र के पास गया और वह अपने एक व्यापारी मित्र के पास गया। मित्र, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी तराजू रख लो, लौट कर ले लूँगा। वह अपने मित्र से बोलता है कि मित्र मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी तराजू रख लो, लौट कर वापस लूँगा। तो उसका मित्र बोलता है जरूर जरूर, फिर से धन कमा कर लौटूंगा। और वह बोलता है कि फिर से धन कमा कर मैं लौटूंगा। कुछ महीनों के बाद रामलाल लौटा और अपने व्यापारी मित्र के पास पहुंचा। कुछ टाइम बाद वह दूसरे गांव जाकर आया, वहां उसने अपना काम वगैरह सब देखा, आज मैं भाग्य आजमाए कि क्या पता यहाँ उस पर काम अच्छा चल ले। तो वह दूसरे गांव जाकर आता है, फिर वापस उसी गांव आता है। तो वह वहां पर उसी गांव आकर मित्र मेरी तराजू मुझे वापस दे दो, और अपने मित्र के पास जाता है, बोलता है कि मित्र तुम मेरी तराजू तुम मुझे वापस दे दो। तो उसका मित्र उसको क्या बोलता है कि तराजू तो चूहे खा गए। तराजू क्या मित्र उसको बोलता है कि तराजू तो चूहे खा गए। मित्र अपने मित्र को बोलता है कि मित्र तराजू को चूहे खा गए। रामलाल समझ गए कि मित्र के मन में बेईमानी आ गई है, और रामलाल समझ गए कि मेरे मित्र के मन में क्या आ गई, बेईमानी आ गई है, इसलिए झूठ बोल रहा है। लेकिन वह कर ही क्या सकता, लेकिन वह क्योंकि उसका वो कुछ कर नहीं सकता, उसे लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि तराजू तो उसने दी, तराजू वो खुद देके गए था और उसके बावजूद उसका मित्र ठहरा, तो वह कुछ कर नहीं सकता था। वह तो उसके अचानक उसके एक बात सूझी और फिर उसने शांति से एक बात अपने दिमाग में समझी, चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष, अच्छा मैं स्नान करने जा रहा हूं। फिर वहीं पे खड़ा होकर बोलता है कि चलो तराजू को तो चूहे खा गए,
इसमें तुम्हारा क्या दोष? तो मैं जा रहा हूँ स्नान करने, मेरा सामान उठाने में मदद करने के लिए अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हो? उसने बोला कि तुम आना, मैं तो कोई बात नहीं कि तुमने चूहे ने खा ली तराजू, तो अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने और मेरा जो सामान है उसे उठाने के लिए तुम भेज सकते हो ना अपने बेटे को साथ में, मदद के लिए भेज सकते हो? तो उसका मित्र बोलता है जरूर जरूर, उसका मित्र बोलता है हाँ मैं जरूर भेज दूंगा अपने बेटे को तुम्हारे साथ। बेटा फिर अपने बेटे से वो बोलता है कि बेटा इसके फिर बोलता है जरूर जरूर। लड़का सामान उठाकर रामलाल के साथ चल पड़ा। लड़का क्या है? जो उसके साथ उसका लड़का था व्यापारी मित्र का, वो रामलाल के साथ सामान उठाकर चलने लग गया। रास्ते में एक गुफा मिली और रामलाल को क्या मिला? रास्ते में एक गुफा मिली। तो उसने रामलाल ने बोला बेटा इसके अंदर चलकर देखे कि यह गुफा कैसी है। उसने उसके बेटे को बोला, व्यापारी मित्र के बेटे को बोला कि बेटा इधर इसके अंदर चलकर देखे कि यह गुफा कैसी है। अब हम जानेंगे इसके जो आगे की कहानी वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे शब्दार्थ। तो भाग्य, भाग्य को हम बोल सकते हैं किस्मत, दोष गलती या अपराध, पेश करना प्रस्तुत करना, व्यापारी व्यापार करने वाला, न्याय इंसाफ, आज्ञा आदेश, खुद स्वयं, खेद अफसोस या दुख भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप सबने इतनी तक कहानी पढ़ी है, आप सबको समझ में आई होगी। तो आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।